में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी सीपरी बाजार थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर लगभग 5 किलो अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। चरखारी कल्ला मंडी परिसर चरखारी में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मृत्यु का मामला आया सामने। व्यापारियों ने 112 डायल कर फोन पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जालौन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा है जारी। 3 अंतर जनपदीय सातिर बदमाशों को पुलिस की हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, जबकि तीसरे ने एनकाउंटर के डर से खुद ही सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। जालौन में जानवर बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जिले भर में खोए हुए 501 मोबाइल फोन किए बरामद। वहीं खोए हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस की सराहना भी की। कुल 501 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई पिछले कुछ महीने से चल रही थी, जिसमें हम लोग जितने भी थानों पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे मोबाइल की गुमशुदगी या कहीं रह गए उसके संबंधित, तो उन सबको सर्विलांस पर। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम में सरकारी हैंडपंप में पानी भरने को लेकर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की लगाई गुहार। बांदा में खेत में बकरी के घुसने को लेकर हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की हुई मृत्यु। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक का टायर बदलते समय स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रक ड्राइवर की मौके पर हुई मृत्यु, जबकि चालक और ट्रक का क्लीनर हुआ है गंभीर रूप से घायल। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सरपुर में अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली। बताया जा रहा है कि बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी महिला। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, फिलहाल इलाज जारी है। छतरपुर जिले में रायगीर से लूट का मामला आया सामने। बमीठा थाना क्षेत्र में NH-39 पर 4 लाइन सड़क पर बाइक मोबाइल रुपए युवक से छीन लिए। वहीं पीड़ित ने बमीठा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फतेहगढ़ पुलिस थाना कादरी गेट पुलिस टीम द्वारा 3 सातिर चोरों को चोरी किए गए 14 एंड्रॉइड व कीपैड मोबाइल फोन सहित किया है गिरफ्तार, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है।